एड ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से सोमवार को 7 घंटे तक पूछताछ की। एड ने ऐश्वर्या से पूछा कि अभिषेक बच्चन से शादी करने के बाद उसने सारे खाते क्यों बंद कर दिए और उसने कंपनी जो $50,000 में खरीदी थी $1,500 में ही क्यों बेच दिया। ऐश्वर्या राय से पूछताछ की जा रही है क्योंकि उनका नाम लीक हुए पनामा पेपर्स का हिस्सा था। लीक में 500 प्रमुख हस्तियों के नाम हैं जिनके ऑफशोर अकाउंट हैं। रूस की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सौंप दी गई है और इसे पंजाब में स्थापित किया जाएगा। यह पहली सप्लाई दी गई है, 4 और सप्लाई रूस द्वारा की जानी बाकी है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज में हवा में किसी भी ड्रोन, मिसाइल या विमान पर हमला कर सकती है। भारत को S-400 देने का सौदा 2018 में रूस के साथ किया गया था। अभिनेता आर माधवन दुबई शिफ्ट हो गए हैं। वह शिफ्ट हो गए हैं ताकि वह अपने बेटे के लिए बेहतर तैराकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। उनका बेटा राष्ट्रीय चैंपियन तैराक है और ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। माधवन ने कहा कि भारत में ज्यादातर स्विमिंग पूल या तो कोविड के कारण बंद हैं या फिर ओलंपिक में पहुंचने के स्तर के लिए उचित प्रशिक्षण की कमी है। प्रधानमंत्री ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की। अगले बजट से पहले उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की दूसरी बातचीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पहल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग जगत के नेताओं ने निजी क्षेत्र में विश्वास रखने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन लखनऊ में अमृत महोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी उपस्थित थे। इस शो में 500 से ज्यादा ड्रोन ने हिस्सा लिया। 14 साल की एक लड़की ने पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह के खिलाफ पाकिस्तान में फर दर्ज कराई है। लड़की ने यासिर पर रेप का आरोप लगाया है। उसने पफर में कहा कि उसके दोस्त फरहान ने बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने इसकी शिकायत यासिर से की तो उसने कहा कि वह 18 साल तक उसकी देखभाल करेगा और उसे एक फ्लैट और एक कार देने का वादा किया। हैदराबाद में एक गे कपल ने शादी कर ली है। शादीशुदा जोड़ा दिल्ली और कोलकाता का रहने वाला है। वे 8 साल से डेटिंग कर रहे थे। शादी समारोह में उनके माता पिता और दोस्त भी मौजूद थे। राजस्थान के लिए यह सर्दी बेहद सर्द हो गई है। राजस्थान में कई जगहों पर तापमान बहुत कम रहा है। माउंट आबू और कुछ अन्य क्षेत्रों में इतनी ठंड पड़ रही है कि पेड़ों और मैदानों पर बर्फ जम गई है। कई जगह ऐसे भी हैं जहां तापमान माइनस में चला गया। कश्मीर जैसी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए लोग हिल स्टेशन माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। श्वेता तिवारी ने पीली साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में फोटो शेयर की है। इस फोटो को उन्होंने अपने हालिया फोटोशूट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आकार में आने और आकर्षक दिखने के लिए वह बहुत मेहनत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्र रिवर्स गियर में है। इन तस्वीरों में वह हमेशा की तरह बेहद स्टनिंग लग रही है। नेहा धूपिया ने प्रिंटेड सिल्क ब्लैक वेलवेट काफ्तान ड्रेस में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों में नेहा को एंकल की तक की लंबी काफ्तान पहने हुए है जो रेशम के मखमली कपड़े से बना है और एक बेल्ट के साथ लगा हुआ है जिसमें ब्रोच और स्वारोवस्की क्रिस्टल है।